कटनी। पुस्तक साहित्य आयोजन मेला का नौवां अधिवेशन 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक साधुराम स्कूल में आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के विषय में पुस्तक आयोजन मेला समिति ने एक प्रेस वार्ता करके जानकारी दिया, जिनसे देश भर के जाने माने साहित्यकार शामिल होंगे और बाल पुस्तक मेला और पुरस्कृत किया जाएगा। अभी तक के आयोजनों में ये पहला अवसर होगा जिसमें बाल पुस्तक, बाल कविताओं और नामचीन साहित्यकार के शामिल किया जाएगा और शहर कटनी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। रिपोर्ट जाहिद हुसैन सिद्दीकी। बुंदेलखंड से लगभग 12 साहित्यकार, बुंदेलखंड से लगभग 12 से 15 साहित्यकार, अलावा इसके पन्ना नागौद से भी अन्य साहित्यकार बंधु हमारे इसमें अपनी सहभागिता दर्शाने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रशासन का, हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। वह भी इन कार्यक्रमों में हमें मार्गदर्शन देते हुए आ रहे हैं और हमारे इस पूरे राष्ट्रीय साहित्य पुस्तक मेला समिति के इस पूरे केंद्र के रूप में हमारे अरुण भाई, डॉक्टर सुधा गुप्ता, डॉक्टर जिनेंद्र वेदी, श्री सतीश आनंद जी और हमारे 120 लोगों की टीम, जिनका ये अथक प्रयास है, जिनके माध्यम से आज ये पुस्तक मेला हमारे बीच में साकार रूप लेने वाला है। 21 से 26 तक मैं आप सबके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि कटनी नगर और आसपास के लोग इस पुस्तक मेला में अपनी सहभागिता दर्शाएं ताकि हमारा यह कार्यक्रम पूर्ण रूप ले सके और वह अपनी पूर्ण आहुति आकर दे। धन्यवाद। मेला समिति के तत्वाधान में कटनी साहित्य महोत्सव एवं पुस्तक मेला इस वर्ष यह हमारा नौवां आयोजन है। पिछले 8 वर्षों की अभूतपूर्व सफलता के साथ यह हमारा 9वें वर्ष की तरफ पहला कदम है जो कि 6 दिवसीय आयोजन है। साधुराम स्कूल में 21 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक, जिसमें लगभग देश के जाने माने साहित्यकार और बड़े बड़े पत्रकार बाहर से इस कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए आ रहे हैं, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष शामिल होंगे। हमारा यह कार्यक्रम न केवल पुस्तक मेला के रूप में बल्कि साहित्य महोत्सव के रूप में भी अभूतपूर्व है, जिसमें बाल साहित्य महोत्सव के लिए 2 दिवसीय आयोजन है, जिसमें हमारे बाल साहित्यकार नागेश जी शाहजहाँपुर से, सर्वेश अस्थाना जी जिन्हें कि पितामह कहा जाता है, देवपुत्र पत्रिका के संपादक हैं, वह इंदौर से आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बाल साहित्यकार आएंगे जिनका कि काव्य पाठ भी होगा। अलावा उसके हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 500 बच्चों की 7 तरह की प्रतियोगिताओं में सहभागिता है जो विभिन्न स्कूलों से आ रहे हैं, 2 वर्गों में की जा रही हैं, जिसमें 6वीं से 8वीं तक के बच्चे और फिर 9वीं से 12वीं तक के बच्चे शामिल होंगे, जिसमें निबंध, कहानी लेखन, तात्कालिक काव्य लेखन, चित्रांकन से शब्दांकन, अलावा इसके महत्वपूर्ण 2 विषय साहित्यिक अंताक्षरी, जिसमें केवल साहित्यिक चीज़ों को स्थान दिया गया है, जिसमें दोहे, छंद, चौपाई और इन सब से हट करके एक बहुत बड़ा प्रश्न मंच जो कि कटनी नगर और आसपास के बच्चों के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिर्फ रामचरितमानस पर आधारित प्रश्नोत्तरी होगी, जिसमें जो भी हमारी टीम विजेता होगी उनको हम लोग न केवल पुरस्कृत करेंगे बल्कि उनके आए हुए प्रतियोगी को प्रतियोगी